अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो रिव्यू वीडियो ये है हमारी कॉम्पैक्ट पाउडर्स के बारे में। आज की वीडियो में हम टोटल कॉम्पैक्ट पाउडर के बारे में बात करेंगे कि ये जो पाउडर हैं ये क्या होते हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से अवेलेबल हैं ईजिली, किसकी क्या प्राइस है एंड कौन सा बेस्ट है, एंड गर्मियों में सबसे ज़्यादा कौन सा वाला बेस्ट रहने वाला है। तो टोटली आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास हैं कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर्स, ये हैं मेरे सारे कॉम्पैक्ट पाउडर। इसका जो है मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये वाले जो है मैं आप लोगों को वन बाय वन अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊँगी कि अब मैं आप लोगों को इस तरह से दिखाऊंगी, जो मेरे मुझे ज़्यादा जो है बेस्ट लगता है उसको मैं लास्ट में दिखाऊंगी, तो जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी जो है मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ना ही मैंने प्राइमर लगाया हुआ है एंड ना ही फाउंडेशन लगाया हुआ है। अभी मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई हुई है एंड आइज़ का जो है थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ है। तो जो है मैं पहले प्राइमर लगाऊंगी, फाउंडेशन, एंड फिर उसके ऊपर जो है आप लोगों को कॉम्पैक्ट पाउडर जो है अप्लाई कर करके दिखाऊंगी। तो मैं जो है अपने हाफ फेस पे एक लगाऊंगी एंड अदर फेस पे दूसरा, इस तरह करके जो है मैं पाउडर लगा के आप लोगों को उसका रिव्यू शेयर करूँगी। ओके, प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ ये हेयर ऑयल बाय एले का प्राइमर। इन्होंने जो है रिसेंटली अपना ये प्राइमर लॉन्च किया है और ये वाला प्राइमर काफ़ी अच्छा है। एंड इनका जो फेस सीरम है, रोज़ गोल्ड सीरम है आई थिंक, वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं एंड उसके अलावा इस वाले प्राइमर के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मुझे मिले हैं। इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। अच्छा, फाउंडेशंस के लिए जो है मैं ये वाले दो फाउंडेशंस ले रही हूँ। एक है मेबेलिन फिट मी इन द शेड 220 एंड एक है मिस रोज़ का फाउंडेशन जो है बीज 2। तो इन दोनों को मैं मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। सो मैं यह है ब्यूटीफाई बाय आमना का कबूकी ब्रश एंड उससे जो है अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। एंड ये हालत हुई हुई है मेरे ब्रश की। खैर, इसी से जो है अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। इन दोनों को अच्छी तरह से मैं मिक्सअप कर लूँगी क्योंकि जो वो वाला है ना मेबेलिन वाला, वो थोड़ा सा ना डार्क है मेरी स्किन टोन के लिए। तो अब इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। तो अब जो है मैंने फाउंडेशन अपने फेस पे पूरा अप्लाई कर लिया, अच्छी तरह से जो है मैंने अपने फेस पे लगा लिया। अब बारी है कॉम्पैक्ट पाउडर की। तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, हमारे फेस पे स्टे कर जाए। एंड उसके अलावा जो गर्मियों में भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए कोई जो है कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। इससे ये होता है कि हमारा जो है फाउंडेशन स्वेट प्रूफ भी बन जाता है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। तो अगर हमारी स्किन ऑयली होती है, जो पाउडर होता है वो हमारे ऑयल को कंट्रोल भी कर लेता है। अच्छा, जो फर्स्ट कॉम्पैक्ट पाउडर है मेरे पास वो है बी क्यूट का। तो वो इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी पैकिंग में आता है। इसकी जो पैकिंग है, ये जो इसका कलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी जो प्राइस है वो है 280 रुपीज़। मैंने इसको 280 रुपीज़ का ख़रीदा है। पहले जो इसकी प्राइस थी वो थी 190। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं पहले इसको यूज़ करती थी तब इसकी प्राइस 190 होती थी। अब अचानक से इसकी प्राइस 280 हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। खैर, अब जो है अंदर से ये इस टाइप का है। इसमें जो मेरे पास शेड है ना वो है मेरे पास 3 शेड। मैं देख लेती हूँ, हाँ ये है मीडियम बीच, यहाँ पे लिखा हुआ है 03 शेड, ये है इसका शेड नंबर। तो ये इस तरह से अंदर से है और इसके साथ जो है एक हमें स्पंज भी मिलता है। ओके, ये अंदर से ये है इसका कलर।
ये देखें, बहुत ही माइल्ड एंड सॉफ्ट सा है, इसमें जो है मिरर भी आता है। सो ये जो बी क्यूर वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, इसको मैं अपने फेस के इस साइड पे अब अप्लाई करूंगी। स्पंज आता है ना, मैं उसी से ही अप्लाई करने लगी हूँ। सो बी क्यूट का ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी पैकेजिंग आउट क्लास है, इसके साथ जो है हमें पफ भी मिलता है एंड जो है लगाए हुए भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ये उड़ जाता है। ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं है एंड ऑयल कंट्रोल भी बिल्कुल नहीं है, तो इसको जो है मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। पहले यूज़ करती थी, लेकिन अब जब मैं और दूसरे अच्छे वाले यूज़ कर चुकी हूँ तो ये वाला जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो है मेरे पास मिडोरा का ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड ये भी इस तरह की पैकेजिंग में आता है एंड अंदर से कुछ इस टाइप का है। सो ये वाला है, तो इसमें जो एक प्रॉब्लम है ना, वो ये प्रॉब्लम है कि इसमें हमें शेड अवेलेबल नहीं है। दूसरे जितने भी कॉम्पैक्ट पाउडर हैं उनमें 5-6 शेड जो है अवेलेबल हैं अपनी स्किन टोन के लिहाज से जो है हम ले सकते हैं। इस वाले का शेड अवेलेबल सिर्फ एक ही में आता है एंड इसके यहाँ पीछे लिखा हुआ है नेचुरल, तो ये सिर्फ नेचुरल शेड में आता है। तो ये वाइट कलर की पैकेजिंग में है, इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड अंदर से जो है इस तरह से इसके साथ भी हमें एक पफ मिलता है एंड इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। इसकी प्राइस है 180 रुपीज़, तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर का है। ये देखें, तो ये जो है थोड़ा सा वाइट कास्ट भी छोड़ता है फेस पे, उसके अलावा जो है ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसको जो है अपने फोरहेड पे आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ओवरऑल जो है मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर भी। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है वो है फेसिट का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो टू वे केक यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये अंदर से जो है इस टाइप का आता है। काफ़ी अच्छी सी इनकी पैकेजिंग है, ये भी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में था लेकिन अभी जो है वो गुम हो गया है। एंड इसका जो है नीचे यहाँ पे हम पफ वगैरह, तो ये देखें यहाँ पे जो है पफ रखने की भी जगह है। इसका जो कलर है ना वो मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। तो ये है इसका कलर, काफ़ी न्यूट्रल सा, जिस तरह बीज कलर होता है उस टाइप का है। तो इसका जो शेड मेरे पास है वो है 01। ये भी काफ़ी माइल्ड सॉफ्ट सा है। अच्छा, इसको जो है मैं अब अपनी इस एरिया पे जो है अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो इस वाले कॉम्पैक्ट पाउडर को जो है ना मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाले होंगे एंड इसके रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं। इसकी प्राइस भी ऐसे ही है, 250 है या 280 है मुझे जो है कंफर्म याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्राइस डाल दूंगी। तो प्राइस के लिहाज से ना काफ़ी अच्छा है ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर। ओके, नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास ग्लैमरस फेस का ये कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 03। तो ये इस तरह की पिंक कलर की पैकेजिंग में आता है, बहुत ही खूबसूरत सी इसकी पैकेजिंग है एंड अंदर से भी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। तो अंदर भी इस तरह की लाइट पिंक कलर की पैकेजिंग है एंड इसमें भी हमें जो है पफ साथ ही मिलता है एंड मिरर भी है। तो इसका ये जो कलर है ना ये मुझे परफेक्टली सूट करता है, बाकी जो है वो थोड़े थोड़े लाइट है, ये वाला जो है बिल्कुल मेरी स्किन टोन से मैच है। मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये है इसका कलर,
इसको मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने जो है सारे कॉम्पैक्ट पाउडर्स अपने फेस पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर। एक तो ये जो है इसका शेड है वो परफेक्टली सूट करता है मुझे, एंड उसके अलावा प्राइस ही है थोड़ा सा, मींस इसकी प्राइस 350 है आई थिंक, बाकी सबसे जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड लेकिन इसके रिजल्ट आउट क्लास है। इसको जो है हम अपने पर्स में भी रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हों उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इस मैंने जब इसको यूज़ किया है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसमें टचअप्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। मीन मैंने जो है बार बार निकाल के टचअप वगैरह नहीं किया। आजकल का जिस तरह वेदर है, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, उस लिहाज से जो है ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो बेस्ट है। ऑयली स्किन पाउडर से रिलेटेड जो है मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, फाइनली जो है मैंने इसके लिए आप लोगों को एक सोल्यूशन दे दिया है कि कौन सा कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो बेस्ट है। ये इजीली अवेलेबल है, हर जगह से ये कॉम्पैक्ट पाउडर मिल जाते हैं, किसी भी शॉप से पाकिस्तान में आप लोगों को ये मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट लाजमी करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। एंड कुछ गर्ल्स की जो है वो रिक्वेस्ट आई हुई है, काफ़ी दिनों से आई हुई है, तो गर्ल्स डोंट वरी, मैं आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता ही पूरी करूँगी। तो इतना टाइम नहीं होता, बहुत मुश्किल से जो है इतना टाइम निकलता है कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ। तो जिस जिसकी रिक्वेस्ट है ना वो मैं लाजमी पूरी करूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।